Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो आ गए हैं दोस्तों लेके क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स। जी हाँ, तो क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स में कौन आगे बढ़ गया है और कौन रह गया है पीछे, तो ये हम बताएंगे आपको आज परसेंटेज के साथ कि किसको मिले हैं कितने परसेंट वोट। उससे पहले वही गुजारे जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताजो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं टीना दत्ता से, जो कि बॉटम में है, सबसे कम है। तो इसमें वोटिंग ट्रेंड में काफी बदलाव आया है, जो सुबह के वोटिंग ट्रेंड थे और अब के वोटिंग ट्रेंड में कुछ क्या काफी कुछ बदलाव आया है। तो चलिए टीना दत्ता को यहां पे मिलते हैं सिर्फ 7% वोट। दोस्तों 7% वोट टीना दत्ता को, और टीना दत्ता को बिल्कुल थोड़ा सा जरा सा ऊपर बैठे हैं कौन, समझदार है आप, शालिन भनोट। शालिन भनोट को टीना दत्ता से 2% वोट ज्यादा मिले हैं, यानी के 9% वोट यहां पे किसको मिल रहे हैं, शालिन भनोट को। तो अब टॉप टू, जो कि काफी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने टॉप टू में ए हेर गेर किया है, लेकिन परसेंटेज के साथ ऑथेंटिसिटी के साथ किसी ने नहीं बताया है कि किसको कितने परसेंट वोट मिले हैं। हाँ, कुछ लोगों ने ट्विटर के ऊपर भी सर्वे किया है और उन्होंने विद परसेंटेज के साथ भी वहां पे आप ही के जो आप क्लिक करो तो आपको पता चलता है कि भैया किसको कितने वोट पड़ रहे हैं। वहां पे ऑडियंस के वोट है वो, लेकिन बिग बॉस के घर के वोट नहीं है। तो यहां पे टॉप टू में शिव ठाकरे और प्रियंका चार चौधरी ही है। तो प्रियंका चार चौधरी को यहां पे मिलते हैं दोस्तों 35% वोट, यानी कि सुबह से थोड़े ज्यादा पड़े हैं, लेकिन 35% वोट प्रियंका चार चौधरी को पड़ते हैं। और नंबर वन पे अभी भी राज कर रहे हैं, अभी भी बैठे हुए हैं शिव ठाकरे। शिव ठाकरे को यहां पे पड़ रहे हैं 49% वोट, यानी कि आधे लगभग वोट शिव ठाकरे को है, बाकी के बाकी सबको। और टीना दत्ता और शालिन भनोट को सबसे कम वोट पड़ रहे हैं। नंबर वन पे है शिव ठाकरे, नंबर दो पे प्रियंका चार चौधरी, नंबर तीन पे है दोस्तों शालिन भनोट, और नंबर चार पे कौन है, टीना दत्ता। तो टीना दत्ता का क्या सफर होगा, खत्म बिल्कुल होगा अगर घर से कोई एलिमिनेशन होती है तो। क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our